नमस्कार समाचारों साथे हूँ छु जयेश। महत्वपूर्ण समाचार आवी रहा है। सीएम भूपेन्द्र पटेल वरसादनी परिस्थितिनी समीक्षा करी रहा है। आपने जणावे के थोड़ी वार में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सीएम पहुंचा अने त्यां हाल तेओ स्थितिनी समीक्षा करी रहा है। जूनागढ़, जामनगर अने कच्छनी स्थितिनी तेओ समीक्षा करशे। आपने ख्याल छे तेम मुजब जूनागढ़ अने जामनगर तेमज कच्छनी अंदर भारे मेघखांगा थया होय तेवी परिस्थिति छे, जेने कारणे अनेक विस्तारों की अंदर पाणी भराया छे। जळबंबाकार परिस्थिति छे, तेने लईने हवे सरकार एक्शन में आवी छे अने स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में सीएम भूपेन्द्र पटेल खुद समीक्षा माटे पहोंच्या छे। तमाम परिस्थिति ने लईने तात्कालिक लोकोने मदद मळी रहे, परिस्थितिनुं आकलन थई शके अने तेने लईने जरूरी पगला लई शकाय ते माटे आ समीक्षा अति महत्वपूर्ण बनी रहेशे। परंतु आ त्रण जिल्लानी अंदर भारी मात्रा में वरसाद वरस्यो छे, जेने कारणे आ इमरजेंसी बैठक बोलावाय छे अने त्यां स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर अंदर खुद सीएम पहोंची चूक्या छे अने अधिकारीओ साथे सीधी वातचीत करीने समग्र परिस्थितिनो चितार मेळवी रह्या छे। तो गांधीनगरमां सीएम भूपेन्द्र पटेल द्वारा वरसादनी स्थितिनी थई रही छे समीक्षा अने जरूरी पगला लेवा माटे अधिकारीओ साथे तेओ चर्चा विचारणा करी रह्या छे। आपने ख्याल छे ते मुजब जूनागढ़, जामनगर अने कच्छनी अंदर भारे मेघ खांगा थया छे। सौथी वधु अहीं वरसाद वरसवाने कारणे भारे विकट परिस्थितिनुं निर्माण थयुं छे। अनेक विस्तारों जळबंबाकार थया छे, जेने लईने हवे सरकार एक्शनमां आवी चूकी छे। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटरनी अंदरथी आ त्रणેય जिल्लानी वरसादी परिस्थितिनुं तेओ समीक्षा करी रह्या छे। सार्वत्रिक रीते गुजरातनी अंदर अत्यारे वरसादनो माहोल जामी चूक्यो छे अने त्रण जिल्लानी अंदर अति भारे वरसाद वरस्यो छे। છેલ્લા 12-24 કલાકની અંદર અવિરત વરસેલા વરસાદને કારણે અહીં જળબંબાકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરની અંદર આ ત્રણેય જિલ્લાઓની વિકટ પરિસ્થિતિ વિશે સીએમને માહિતી આપવામાં આવી રહી છે। હાલ શું પરિસ્થિતિ છે, કેટલો વરસાદ વરસ્યો છે, કયા વિસ્તારોની અંદર વિકટ પરિસ્થિતિ છે, આગામી સમયમાં હજુ અહીં વાતાવરણની અંદર કેટલો મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર થશે, વરસાદને લઈને શું પરિસ્થિતિ છે અને તેને લઈને કેવી વિકટ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થઈ શકે છે, તે પહેલાં કેવા જરૂરી પગલાં લેવા જોઈએ તે વિશે તેઓ સમીક્ષા કરી રહ્યા છે।